हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक सीआरटी टीवी है, इसमें ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है। वैसे तो ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम जो है कई प्रकार से आता है, लेकिन जो ये हमारा लोकल सीआरटी टीवी होता है, जो इसमें एसएमपीएस प्रॉब्लम होता है, रेगुलेटर प्रॉब्लम होता है, और कभी कभी देखा गया है जो 8 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई का भी फॉल्ट देखा गया है। तो चलिए हम आज चेक करते हैं कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये टीवी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम हो रही है और ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने टीवी ओपन कर लिया है, बैक कवर ओपन कर लिया है, और अब हम चलते हैं, पहले इसका किट को ओपन करते हैं, कनेक्टर वगैरह ओपन करके, और उसके बाद जो है इसको चेक करेंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है। आई होप कि वीडियो कार्यरत बनने वाला है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने किट पलटी कर लिया है, और इसमें सबसे पहले हमें 110 वोल्ट सप्लाई जो है उसको चेक करना पड़ेगा। तो मीटर को मैंने डीसी 250 वोल्ट पे लगा दिया है, और इसके ब्यू ट्रांजिस्टर पे हम सप्लाई चेक करेंगे। तो जहाँ तक ब्यू ट्रांजिस्टर पे सप्लाई हमें 110 वोल्ट मिलना चाहिए, 120 वोल्ट मिलना चाहिए ब्यू ट्रांजिस्टर पे, वहाँ पे हमें मिल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 70-80 वोल्ट। और यहाँ जो रेगुलेटर सिस्टम है, जहाँ पे मैंने मतलब प्रीसेट लगा हुआ है, इस प्रीसेट पे हमें इनपुट सप्लाई आ रही है, लेकिन आउटपुट में हमें कम वोल्टेज दिखा रहा है। डीसी 10 वोल्ट पे मैंने मीटर को सेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं। तो इस जगह पे मैं एक बार और कंफर्म करवा देता हूँ कि जो हमारा वोल्टेज है, कभी कभी इनपुट सप्लाई ओके रहता है, आउटपुट में भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो हमारा ये रेगुलेटर काम नहीं करता है, यहाँ से जो वोल्टेज एडजस्टर है यहाँ पे प्रीसेट 2K का लगा हुआ, और यहाँ से प्रॉब्लम होगा। आप देख सकते हैं इनपुट पे जो है वोल्टेज मिल रही है डीसी 10 वोल्ट, लेकिन आउटपुट पे हमें दो तीन वोल्ट मिल रही है। सिर्फ 2-3 वोल्ट मिलने से नहीं काम बनेगा, तो इस जगह पे हमें क्या करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस सिचुएशन में दोस्तों, हमें ये यहाँ पे ये जो प्रीसेट है 2K का, इसको हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मेरे ख्याल से 70% लोकल टीवी में यही फॉल्ट देखा गया है, कि अगर ये हमारा प्रीसेट ख़राब हो जाए तो सप्लाई ड्रॉप करता है, और वही प्रॉब्लम इसमें भी है। और जब हमारा सप्लाई ड्रॉप करेगा तो इस सिचुएशन में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है, ESD नहीं बनेगी, टीवी ऑन होने में दिक्कत होगा, क्योंकि IC को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी, ESD को वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं, मैंने ये पुराना वाला प्रीसेट निकाल लिया है, और इस जगह पे मैं दूसरा लगाता हूँ ये वाला, और फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको लगा दिया है प्रीसेट को, और अब एक बार मैं टीवी ऑन करके आप सभी के बीच दिखाता हूँ। इससे पहले मैं सप्लाई देख लेता हूँ कि हमारा जो यहाँ सप्लाई 10 वोल्ट नहीं बन रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10-12 वोल्ट हमारा सप्लाई अब बन रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों पे। अब मुझे लगता है जो हमारा टीवी ऑन हो गया होगा, तो चलिए स्क्रीन के सामने चलते हैं, एक बार टीवी ऑन करके दिखाते हैं कि हमारा जो फॉल्ट था वो ठीक हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा टीवी ऑन हो गया है, थोड़ा इसका प्लग पॉइंट लूज है, मैं थोड़ा सही ढंग से लगा दिया, और आप देख सकते हैं ये प्रीसेट 202 का जो है ख़राब था, इस वजह से यहाँ पे ब्लिंकिंग प्रॉब्लम हो रही थी और टीवी मेरा ऑन नहीं हो रहा था। तो चलिए फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।